हेलो फ्रेंड, आज मैं आप लोग के लिए पिज्ज़ा बनाने के विधि लेकर आई हूँ। देखिए कैसा बनता है और बहुत ही टेस्टी होता है। घर में ही बनाने हैं, तावा पिज्ज़ा बोलते हैं इसको। देखिए कैसे बनता है, क्या क्या लगता है। एक प्याज काटी हूँ, दो हरी मिर्च काटी हूँ, एक शिमला मिर्च काटी हूँ, एक गाजर काटी हूँ और एक टमाटर काटी हूँ। और ये पिज़्ज़ा सॉस है और ये चीज़ है जो मैं घिस के रखी हूँ, और थोड़ा सा काली मिर्च को मैं कूट के रखी हूँ और थोड़ा सा लाल मिर्च मैं कूट के रखी हूँ। ये पिज़्ज़ा बेस है, मैं बाज़ार से ख़रीद के लाई हूँ। घर पर भी बनता है लेकिन मैं बाज़ार से लाई हूँ। और इसमें पिज़्ज़ा सॉस पूरे अच्छी तरह से मिला दूँगी, पूरा चारों तरफ पिज़्ज़ा सॉस मिला दूँगी। सभी सब्जी को एक साथ मिला दूंगी और इसमें चीज़ डाल दूंगी, थोड़ा सा नमक डाल दूंगी और सभी को एक साथ मिक्स करके और पिज़्ज़ा के ऊपर मैं अच्छी तरह से रख दूंगी। थोड़ा सा चीज़ मैं सब्जी में मिला लूंगी और थोड़ा रखूंगी। सब्जी के बेस पे रखने के बाद मैं उसके ऊपर से चीज़ डालूंगी। एकदम कम करके मैं इस पर पैन रखी हूँ, हल्का गर्म हो गया है। उसके बाद मैं पिज़्ज़ा को हल्का कट कर दूँगी, पूरा नहीं करूँगी, हल्का हल्का ही काटूँगी और उसको हल्का हल्का काटने के बाद इस पर सभी सब्जी मिक्स रख दूँगी और पैन में इसको रख कर पूरा उस पर उसके ऊपर से चीज़ पूरा डाल दूँगी और ढक दूंगी। 5 मिनट के बाद मैं ढक्कन हटा 5 मिनट के बाद हो जाएगा पिज़्ज़ा तैयार। देखिए रखने के बाद मैं ढक दूंगी और 5 मिनट बाद मैं देखूंगी। देखिए बन के तैयार हो गया है पिज्जा। देखिए कितना अच्छा चीज़ पूरा पिघल गया है और बन के तैयार हो गया। सभी सब्जी भी गल चुका है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।